नीतीश कुमार की सरकार जो है ना वो कुशासन है। नीतीश कुमार का इस प्रकार का रवैया देख करके नहीं लगता है कि इंसाफ मिलेगा। सरकार को तो ऐसे सोचना चाहिए, लेकिन ये नीतीश कुमार हम छात्रों के प्रति नहीं सोच पा रहे हैं। छात्रों के साथ में एक अन्याय हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सतीश देख रहे हैं। मेरे साथ सतीश कुमार हैं और ये बीएसएससी का तैयारी कर रहे हैं अभी, लेकिन बीएसएससी जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको सपोर्ट करने आए हैं, उनका हिम्मत बढ़ाने आए हैं। तो आपको कितना गुस्सा है ये लोग के साथ जो अन्याय हो रहा है, आपको कितना गुस्सा है इनके लिए? इसके लिए हमारा बहुत गुस्सा है सभी छात्रों के साथ में, और साथ ही साथ हम एक दिव्यांग लड़का है जो कि बिहार एसएससी के जो वैकेंसी 2014 में निकली थी तो उसको लेकर के ये 7 साल के अंदर में ये बिहार सरकार इसका कोई एक्शन नहीं ले रहा, ठीक है। और इलेक्शन प्रिलेक्शन ये सब करवा लेता है, करवाने के उपरांत भी ये बिहार सरकार हम लोगों को छात्र को टहला रहा है, ठीक है। हाँ, तो आप इनके साथ शामिल होके इनका हिम्मत बढ़ाने आए, कहाँ से आए हैं? अभी हम सिपारा से आए हैं सर। सिपारा से आए जी। तो क्या लगता है सरकार आप लोगों को देख के कुछ ना कुछ सोचेगी या नहीं सोचेगी? सरकार को तो ऐसे सोचना चाहिए, लेकिन ये नीतीश कुमार हम छात्रों के प्रति नहीं सोच पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन छात्रों के लिए नहीं सोच पा रहे नीतीश कुमार जी, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि इस प्रकार से छात्र जो है आंदोलन करते हैं या फिर उनका अति होता है, फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, छात्रों के साथ में कोई न्याय नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हम आंदोलन करने में शामिल है जी। तो क्या करेंगे आज दिन भर? आप दिन भर खड़े रहेंगे? दिन भर खड़े रहेंगे जब तक कि पैरों में थोड़ा सा दिक्कत है, उसके बावजूद आपके पास हिम्मत कहाँ से आ रहा है? हिम्मत हमारे अंदर जुनून है, एक नौकरी की चाह है और पढ़ाई लिखाई करने के उपरांत उनका फिर ये होता है। जुनून के लिए हर चीज कर देंगे जी, जुनून के लिए हर चीज कर सकते हैं। नीतीश कुमार को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, बिहार सरकार को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप इतना हिम्मत जुटा के आ रहे हैं और बहुत दूर से आए जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने अंदाज में क्या कहना चाहेंगे? नीतीश कुमार को हम यही कहना चाहते हैं कि छात्रों के साथ में न्याय हो और उनको इस प्रकार से टार बेटा रिजल्ट को लेकर के ना करना चाहिए। आपका सपना क्या, आप क्या बनना चाहते हैं? मैं एक टिकट कलेक्टर बनना चाहता हूँ रेलवे में, है ना, और बिहार एसएससी में सचिवालय में काम करना चाहता हूँ, लेकिन इसके बावजूद ये सरकार सही से इसका नीति ना होने के कारण हम सभी छात्र बेरोजगार मारे मारे चल रहे हैं। आपको लगता है कि बेरोजगारी कभी दूर होगी? ऐसे भी आप लोग लगातार प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये सब करने से आप लोगों को इंसाफ मिलेगा? नीतीश कुमार का इस प्रकार का रवैया देख करके नहीं लगता है कि इंसाफ मिलेगा। कौन आपको इंसाफ दिला सकता है, आपको क्या लगता है? आने वाले समय में इनका इस प्रकार से हालात रहेगा तो हमको तो नहीं लगता कि कोई इंसाफ दिलाएगा। लेकिन करेंगे अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो? टिकट कलेक्टर बनना चाहते हैं जी, बचपन से शौक था या अभी? नहीं, बचपन से मेरा शौक है। बचपन से टिकट कलेक्टर बने? बचपन से मेरा शौक है और टिकट कलेक्टर बनने का, अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो फिर ये देश के जो टिकट कलेक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, दौड़ना धूपना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। कर पाएंगे? करेंगे ना, मेहनत कर भी रहे हैं अभी। मेहनत कर रहे हैं? क्या मेहनत कर रहे हैं आप, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं? अभी पढ़ाई देखिए, सिपारा में रह करके प्रकाशम मैथमेटिक्स में मैथ क्लास करते हैं, रीजनिंग सब पढ़ते हैं, लेकिन उसमें मेहनत सोचिए कि तीन तल्ला पर चढ़कर पढ़ाई करते हैं और मेहनत के बल पर हम कुछ करना चाहते हैं। टिकट कलेक्टर की अगर बात करें तो डायरेक्ट आप अफसर तो नहीं बन जाएंगे जो ऑफिस में बैठ के टिकट काटेंगे, आपको ट्रेन में दौड़ धूप भी करना होगा? हाँ, वो कर सकते हैं ना। कर बहुत लोग बोलेंगे कि पैर ठीक नहीं है आपका तो आपको बुरा लगेगा या क्या करेंगे? नहीं, बुरा लगने की इसमें क्या बात है, साहस है हमारे अंदर, धैर्य है, साहस है, तो यही सबसे बड़ी बात होती है। कैसे कर पाएंगे आप ट्रेन में दौड़ धूप जो भी होता है, मेहनत बहुत करना पड़ेगा, कर पाएंगे? वो अपने हिसाब से कर ही लेंगे, है ना, जितना हम सक्षम है उतना तो करेंगे। हाँ, बनना है तो बनना है, बनना है ना। तो आपका खुद का सपना है, माँ बाप का सपना? नहीं, मेरा खुद का सपना है। शादी अभी हुई है या नहीं? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। तो बचपन से पैरों में दिक्कत था या बड़े होके दिक्कत हुआ? नहीं, मेरा बचपन से दिक्कत है सर, और ये बचपन से समस्याओं का सामना करते आ रहे हैं। आम आदमी को जब इतना टेंशन रहता है, प्रॉब्लम होता है, आपको तो बहुत प्रॉब्लम का पार करके यहाँ तक पहुँचे। हाँ, वो तो समस्या होती है, लेकिन समस्याओं का वो धीरे धीरे अपने एडजस्ट करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे। आप क्या करते हैं आपके? मेरे माता पिता एक किसान है, किसान पिताजी किसान के बेटा है जी। तो पिताजी को बता के आए हैं कि प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, हंगामा करने जा रहे हैं, अपना मांग मांगने जा रहे हैं? हाँ, वो अधिकार के लिए हम मांग मांगने के लिए अपने माता पिता को सूचित किए हैं। हाँ, क्या बोले? बोले कि अपने मम्मी पापा से ये बोले हैं कि जो मेरा अधिकार है उस अधिकार का हनन। पिताजी क्या बोले? पिताजी बोले कि अच्छी बात है, अधिकार तो लेना ही चाहिए और अपने अधिकार के लिए लड़ना भी चाहिए। तो लगातार आप इनको सपोर्ट करने आते हैं या पहली बार? नहीं,
और कहीं भी हम गए हैं। हाँ, हाथ में आप क्या लेके घूम रहे हैं? रोता हुआ युवा, बर्बाद होती जवानी, बिहार के सभी भर्ती आयोगों की यही कहानी, क्या यही कहानी है? हाँ, सच में यही कहानी है सर, है ना। रोना भी आता होगा, गुस्सा भी आता होगा। बहुत सर, बहुत, है ना, बहुत आता है। और ये नीतीश कुमार की सरकार जो है ना, वो कुशासन है, शासन इसे हम ना कहते हैं, ये कुशासन की शासन है। कहते हैं, सब लोग कहते हैं सुशासन की सरकार, नहीं, ये कुशासन है। छात्रों के साथ में एक अन्याय हो रहा है और ये अन्याय को छात्र कब तक बर्दाश्त करेगा? और छात्र को ये बर्दाश्त, जाते जाते जो लोग आपको देख रहे हैं उनको कैसे साहस और हिम्मत देना चाहेंगे? हम तो सभी छात्रों से यही बोले हैं कि अपने कर्तव्य और अपनी मेहनत से आगे बढ़े, बढ़ने के उपरांत में अपने अधिकारों की मांग ना मिले तो छीने। हाँ, छीने। और छात्र, सभी छात्रों से यही कहना है कि मेहनत से और अपने अधिकारों के लिए लड़े और मेहनत के बल पर आगे। उम्र क्या बताए थे आपने? मेरा उम्र 26 साल है। चलिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट जारी है, बीएससी के जितने भी छात्र हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और यहीं पे सतीश हैं, जो जिनके पैरों में दिक्कत होते हुए भी बीएससी के स्टूडेंट को वो सपोर्ट करने आए हैं। वो कह रहे हैं कि इनको इनका हक दिला के रहेंगे और इनको टिकट कलेक्टर बनना है, लेकिन बावजूद इनका कहना है कि छात्र आंदोलन है तो वो भी एक छात्र है तो सपोर्ट करने आए। और इनका साथ दौर पे कहना है कि पैर नहीं है तो क्या हुआ, टिकट कलेक्टर बन के रहेंगे, मेहनत जितना भी करना होगा वो करेंगे, हिम्मत बहुत है, अगर अधिकार नहीं मिलेगा तो छीन लेंगे। तो बस, लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।